वैनिशिंग क्रीम। जब हम वैनिशिंग क्रीम की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, वैनिशिंग क्रीम क्या है। वैनिशिंग क्रीम है हमारी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, यानी कि ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज्ड होगा और वाटर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। इट इज़ व्हेन अप्लाइड टू द स्किन इट वैनिशेस एंड लीव्स अ इनविजिबल लेयर ऑन द स्किन। जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये क्या करती है, वैनिश हो जाती है, यानी गायब हो जाती है और क्या करती है, एक इनविजिबल लेयर स्किन पे छोड़ देती है। वैनिशिंग क्रीम इट इज़ यूज्ड एज फाउंडेशन और फेशियल मेकअप। ये फाउंडेशन की तरह यूज़ होती है फेशियल मेकअप के लिए। आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम की। वैनिशिंग क्रीम को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये है इन्ग्रीडियंट्स जो आपको चाहिए। सबसे पहला है स्टेरिक एसिड जो कि 20% अमाउंट में होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसकी 1.4% अमाउंट चाहिए, ग्लिसरीन 4% अमाउंट में, प्योरीफाइड वाटर 74.6% और परफ्यूम हमारा क्वांटिटी सफिशिएंट, कि जितनी क्वांटिटी सफिशिएंट हो सके। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की वैनिशिंग क्रीम की। अब प्रिपेयर कैसे करी जाए वैनिशिंग क्रीम, तो आपको क्या करना है, एक तरफ आपको एक बीकर में स्टेरिक एसिड लेना है और स्टेरिक एसिड को आपको मेल्ट कर लेना है 70 डिग्री सेल्सियस पे। आपने मेल्ट कर लिया तो ये हमारे पास हो गया एक ऑयली सॉल्यूशन रेडी। दूसरी तरफ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और ग्लिसरीन एक दूसरे बीकर में लेने हैं और इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर लेना है। यहाँ हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, इधर हमारे पास एक ऑयली सॉल्यूशन है जो कि मेल्ट हुआ स्टेरिक एसिड है, इधर हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम ऑयली सॉल्यूशन को स्टिर करेंगे यानी घुमाएंगे, और घुमाते घुमाते इसमें एक्वस सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें डाल देना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे हम जब तक पूरा एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर चला ना जाए, और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमारे पास वैनिशिंग क्रीम फॉर्म हो जाएगी। जब वैनिशिंग क्रीम फॉर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे परफ्यूम, जो कि क्या करेगा, जो कि उसको एक अच्छी स्मेल देने का काम करेगा या अच्छी महक देने का काम करेगा। तो ये थी बात हमारी प्रिपरेशन के बारे में ऑफ वैनिशिंग क्रीम। आप चाहें तो इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि वैनिशिंग क्रीम कैसे बनाई जाती है।